उना खा ले ली दीदी, घर का सब काम खत्म हो गेलो? हाँ खाना उना खा लिए, घर का सब काम खत्म हो गए। तोर घर का काम सब खत्म हो गया? हाँ घर का सारा काम खत्म हो गया। छुआ मन के स्कूल भेज लिए, और कल तो कहत रही कि हमारे बाड़ी में बहुत साग है तो चल तोड़े जाबे। चल तब थारे के रखे दे ले। ठीक तब जा राख ले। चल तब दीदी चल। ए दीदी बिलाती मन के तो हैं लगा हाग? हाँ हमने लगा ही है। का होले? ए दीदी बिलाती के तो हैं कत नजीक नजीक लगा है। का होता है दीदी? ऐसा नहीं लगाए के चाहिए। काले देख दीदी, अगर बिलाती कर पौधा के इतना नजीक नजीक लगा भी नहीं तो ना फूल होता ना फर बेस से होता। अरे के कई बार तुहन जोताई कर हा? रोपे से पहले एक बार जोताई कर रही है यार, बड़का बड़का ढेला रहे से के फोड़ दे रही है। नहीं दीदी, के रोपे से पहले दो बार जोताई करे खो, जोताई करके जितना घास खर पतवार हो सबके हटा दो, हटा के उकर बाद ढेला उला अगर हो तो के फोड़ के उकर बाद फिर खाद डाल के पौधा के लगाए खो। नहीं दीदी, हम इन तो हमेशा इसने रोपिए ला। नहीं दीदी, अगर के एक नियम से लगा भक ने तो अच्छा पौधा भी बाढ़तो, फूल भी अच्छा देतो और फल भी अच्छा देतो। तो दीदी कौन सा नियम से और कैसन लगा जाए ला? तो दीदी कल आओ, हम बिलाती लगा थी हमारे बारे में अभी नहीं। हाँ दीदी कल हम जरूर आबो। ठीक तब दीदी, साग मैंने तोड़ ले लिया तो अब जा थियो घर। ठीक तब जा, हम पीछे से आबो। तो कल आबे हमर बारी। ठीक तब। जोहार दीदी, आप बैठ। तोरे तो आसरा देख रही हो, घर कर सब काम खत्म हो गेलो? हाँ घर कर सब काम खत्म हो गेले। ए दीदी ये ना नी 10 से 15 दिन कर बिलाती कर पौधा लगे देखी तो? ठीक। ए दीदी खुरपी से नहीं, हम इन्हें अच्छा तरह से बिलाती कर गाछी के उखड़ाबे। हाँ दी कि हमें अच्छा तरह से जड़ के उखड़ाब, नहीं तो टूट जाते तो खराब हो जाते। देखिए खुरपी से तो पौधा के निकला दिले, उकर बाद का करबे? ए दीदी बिलाती कर गाछी के तो हमें उखड़ा लिया, अभी कर जड़ के ने हमें बीजा अमृत में आधा घंटा डुबा के रखबे। अच्छा दीदी बीजा अमृत का होला? बीजा अमृत के दीदी हमें गाय का मूत्र, गाय का गोबर और दिया माटी और चूना दे के मिला के बनाई ले। अच्छा दीदी एक से का फायदा है? एक में माटी से जो रोग होला से दूर होला और फफूंद से भी बचाए ले, ये वाला बीजामृत कर ले।
दीदी यानी बीजा अमृत लगाई केर में हम इना बिलाती कर जड़ के आधा घंटा डुबा के रखबे इकर में। हाँ तो हो गल बीजा अमृत तो चल अब हम तो के खेत कैसन तैयार हो गए सके बता देव। हाँ तो ठीक चल दीदी दो बार नहीं जोताई करे पड़ता उकर बाद फिर इकर में जितना खर पतवार हो सके निकला देवे पड़ता उकर बाद फिर वहाँ गोबर डाले के पड़ता गोबर डाले के बाद अगर तोर 10 डिसमिल जमीन हो नहीं तो यहाँ 100 किलो गोबर में 10 किलो घना जीवा अमृत मिला के तो डाल सकीला खेत में। अच्छा दीदी घना जीवा अमृत का हो घना जीवा अमृत मिट्टी के शक्ति के बढ़ाए ला और पौधा के बाढ़े में सहायता करे ला। अच्छा दीदी ये देखी दीदी खेत तैयार करो खेत लगाओ अब पौधा रोपे ले मेड़ तैयार करबे। ठीक हो दीदी सबसे पहले दीदी दूरी नापबे और मेड़ बनाबे। तो कितना से कितना दूरी रहते दीदी? 2 फीट का दूरी रहते। ठीक हो दीदी ठीक तब नाफिन ए देखी दीदी 2 फीट का दूरी है। हाँ दीदी 2 फीट तो हाओ। ए देखी दीदी 2 फीट का दूरी में हमें इके गाड़ लेबे और मेड़ बनाबे। ठीक हो दीदी हमें मेड़ के आबे सन बनाबे। ठीक हो दीदी ए देखी दीदी 2 फीट का दूरी है अब हमें निकर में मेड़ बनाबे। चल मेड़ कर ऊंचाई 1 फीट रह चाहिए दे। मेड़ तो तैयार हो गया अब क्या कर भी मेड़ तो तैयार हो गया दीदी अब हमें निकल में बिलाती का पौधा लगा दे। ठीक हो दीदी ए देखी दीदी हमें जेके बीजा अमृत में डुबा के रख रही है से आधा घंटा हो गए अब हमें इके रोपबे रोपबे तो इके नाप लो अथी कितना दूरी में 1.5 फीट का दूरी में रोपे खाए के। ए देखी दीदी हमें इके गाढ़ा कोड़बे और आधा किलो धन जीवा अमृत डालबे। आधा किलो धन जीवा अमृत में हम इनके माटी के मिलाई है। ठीक हो दीदी अब इकर में हम इन एगो पौधा के लगाबे एगो पौधा तो लगा लिए अब इके हम 1.5 फीट का दूरी नापबे और 1.5 फीट का दूरी में दूसरा वाला पौधा लगाबे और फिर दूसरा वाला पौधा का दूरी में फिर 1.5 फीट का दूरी रखबे यह लखे जितना भी पौधा लगाबे सब में 1.5 फीट रखे है। ये देखी दीदी ये तो 1.5 फीट हुआ था अब हम इन ते रोपबे अब हम इन फिर यहाँ घना जीवा अमृत के मिलाबे। ठीक हो दीदी इस जगह भी हमें एगो पौधा के लगाबे और ऐसने हमें जितना पौधा है सबके यह दूरी रख के लगाए के। ठीक हो दीदी ठीक तब दे हम भू लगा दिए उलो। हाँ तब लगा तो हूँ लगा अभी पौधा में 1 लीटर पानी डाले खा बहन। ठीक है दीदी तो चल डाल भाई चल
पटवन तो हो गया दीदी, और कुछ करे खाओ? हाँ, 15 दिन कर बाद कर में कोड़ा करके माटी चढ़ाई के तभी हो जाता दीदी। हाँ हो जाता है तो ठीक, 15 दिन कर बाद ही जगह मिल बे। हाँ जोहार। हाँ दीदी, तो कह रही 15 दिन बाद आवे तो चल कैसन माटी चढ़ाई ले सके बताओ। चल बता थियो। ऐसा कोड़ा करल जाए दीदी यार, माटी चढ़ाल जाए। अच्छा ठीक हो दीदी। कोड़ा तो कर ले लिया, अब माटी चढ़ावे कर में। अच्छा ठीक, तब चढ़ाओ। माटी तो चढ़ा दिलिन दीदी, आप का कर बिहिन? बस हो गेलो। सच में दीदी, अगर ये पौधा के हम इन एक नियम से लगाबे तो ये पौधा अच्छा से बढ़ता है और फल फूल भी अच्छा देता है। सच में दीदी, इतना अच्छा जानकारी दिली हमके तो बहुत अच्छा लागलो। ठीक हो दीदी, इतना बेस जानकारी दिली से कर ले, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हो दीदी, तो हूँ इसने लगाबे और मरचा और भाटा के भी यही तरीका से तो लगाबे। ठीक हो। हाँ दीदी, हम अब यह तरीका से लगाबो और अच्छा फल पाबो। ठीक तब दीदी। ठीक तब, फिर से धन्यवाद करिए। जोहार। जोहार। समझौता ना करने वाले बिंदु, टमाटर की रोपाई के लिए टमाटर का गाछी, हल बैल, तसला, कुदाली, खुरपी, टेप, घंजीवामृत, बीजामृत और पानी की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले खेत की 2 बार जुताई कर खरपतवार निकाले और 10 डिसमिल खेत में 100 किलो गोबर में 10 किलो घनजीवामृत मिलाकर डालें। अब 2-2 फीट की दूरी पर दर बनाएं। दर की ऊंचाई 1 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट होनी चाहिए। 1.5 फीट में कोड़े और 0.5 किलो घनजीवामृत डालकर पौधा रोपें और 1-1 लीटर पानी डालें। अब 15 दिन बाद कोड़ा करेंगे। देखे वाला के सब के हमर बट से जोहार। सेल खेत के अच्छा तरीका से तैयार करवा और रोपाई करवा। इस विधि से टमाटर रोपाई के फायदे। इस विधि से रोपाई करने से पौधों को बराबर रूप से हवा, पानी व सूरज की रोशनी मिलती है, जिससे पौधों को बढ़ने में आसानी होगी और फूल फल अच्छे होंगे, उपज अच्छी होगी और अधिक फायदा होगा। और से ले सब देखे वालन से आग्रह है कि तोहिन मने भी यह तरीका से पौधा के लगावा और अधिक से अधिक लाभ उठावा। जोहार।